brought to you by Techno Camon 30 series. बड़े पैमाने पर हुए लैंडस्लाइड के कारण पापुआ न्यू गिनी में हजारों लोगों की जान चली गई है। वहां की राष्ट्रीय आपदा केंद्र ने कहा है कि देश के उत्तरी भाग के एक दूर दराज के गांव में 24 मई को हुए लैंडस्लाइड में 2000 से ज्यादा लोग दब गए हैं। वहां की सरकार ने राहत कार्यों के लिए औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है और ऐसे में भारत ने सबसे आगे आकर पापुआ न्यू गिनी की मदद की है। विदेश मंत्रालय ने खुद इस बात की जानकारी दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 24 मई 2024 को एंगा प्रोविंस पापुआ न्यू गिनी में एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ जिसमें सैकड़ों लोग दब गए, बड़ी तबाही हुई और जानमाल की हानि हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस पर गहरी संवेदना व्यक्त की और कठिनाई के समय में प्रशांत द्वीप देश को हर संभव समर्थन और सहायता देने के लिए भारत की तत्परता से अवगत कराया। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के तहत एक करीबी दोस्त और भागीदार के रूप में और पापुआ न्यू गिनी के मैत्रीपूर्ण लोगों के साथ एकजुटता के संकेत के रूप में भारत सरकार समर्थन के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान करती है। भारत प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई कठिनाई और तबाही के समय में पापुआ न्यू गिनी के साथ मजबूती से खड़ा रहा, जैसा कि 2018 में भूकंप और 2019 और 23 में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद। नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित भारत के इंडो पैसिफिक महासागर की पहल का डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट एक मजबूत स्तंभ है। भारत मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए प्रतिबद्ध है और एक जिम्मेदार और दृढ़ प्रतिक्रियाकर्ता बना हुआ है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी लगातार पापुआ न्यू गिनी की बड़े पैमाने पर मदद कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 2.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के समर्थन की घोषणा की है और मदद के लिए विमान और अन्य उपकरण भेजने की तैयारी में भी है। बता दें, पापुआ न्यू गिनी के पहाड़ी इलाकों में रात भर हुई बारिश के बाद यह आशंका पैदा हो गई है कि जहां कई टन मलबे में सैकड़ों ग्रामीण दबे हैं, वो खतरनाक रूप से अस्थिर हो सकता है। यहां तक कि कुछ अधिकारियों ने कहा है कि उसी इलाके में दूसरे लैंडस्लाइड की आशंका भी है। शवों के मलबे में दबे होने और पानी की वजह से बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। इस बात की जानकारी खुद संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने दी है। अधिकारी ने राहत एवं बचाव कार्यों के लिए औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मदद भी मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।